अस्सलाम वालेकुम तो आज हम डिसऑर्डर के सेकंड पार्ट की बात करते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है वो पढ़ते हैं आज सेकंड पार्ट के अंदर जो सबसे पहले डिजीज है उसका नाम है ब्रोंकियोलाइटिस ब्रोंकियोलाइटिस अगर इंफॉर्मेशन अगर ब्रोंकाई की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो उस कंडीशन को फनामा को कहेंगे ब्रोंकाइटिस ठीक है तो इसके इंसिडेंस की बात करते हैं इसका आंसर जो इंसिडेंस होगा इन जो के अ कर्ज होंगे इसके अंदर 6 टू 7% द शो होगी इन के अंदर बिलो टू इयर्स ऑफ द एज के अंदर देखने को मिलेंगे ठीक है इसके अंदर जो हमारी ए वेज होगी वो नैरो हो जाएगी ठीक है ना और पीक ज्यादा 6 मंथ तक इसकी जो होगी पीक एज होगी और इसके अंदर जो होगा दिसंबर और एन मार्च के अंदर ये देखने को मिलेगा और विंटर और स्प्रिंग सीजन में ये देखने को ज्यादा मिलता है ठीक है इट इज मोर कॉमन इन दोज लाइव द क्रोड कंडीशन जहाँ पे जूम वगैरह होगा जहाँ पर डश वगैरह होगा वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलेगा ओल्डर फैमिली मेंबर्स आर द कॉमन सोर्स देखने को मिलते हैं ठीक है इन के अंदर तो इसके आगे जैसा क्या इसकी एटियोलॉजी की बात करते हैं किसकी वजह से ये डिजीज देखने को मिलती है डिस्परिटिस uh, सिस्ट्रिकल वायरस की वजह से ये डिजीज देखने को मिलती है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से देखने को मिलती है अडीनो वायरस की वजह से होती है ये राइनो वायरस एंड माइकोप्लाज्मा वायरस की वजह से देखने को मिलती है पैथोजेनेसिस की बात करते हैं इसके अंदर आ जाएगा वायरल इन्फेक्शन ब्रोंक्यूलाइसिस इन्फ्लामेशन एंड द ब्रोंकियोल ब्रोंकुलर ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर जो ब्रोंकियोल्स हो गए उसके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जब ऑब्स्ट्रक्शन हो होगी तो एयर जो होगी वो नैरो हो जाएगी तंग हो जाएगी ठीक है तो ये इसकी पैथोजेनेसिस थी क्लिनिकल फाइंडिंग या सिम्टम्स की बात करते हैं इसके अंदर जो सिम्टम्स आएंगे क्या आएगा सबसे पहले आपने करना है इसके अंदर अपर ट्रैक डिस्परेटिफेक्शन देखने को मिलेगा ये इसका सिम्टम है दूसरा तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट की और इसके अंदर प्रकर्शन वगैरह नोट करनी है आपने ठीक है ना हाइपर हाइपरो स्टेट देखने को मिलेगी ठीक है ये इसके सिम्टम्स थे तो आगे हम डायग्नोस की बात करते हैं कि डायग्नोस इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले हमने का देखना है और जस्ट एक्सरे इसका डायग्नोज होगा एंड सीबीसी वगैरह करनी है ठीक है ना कम्प वाइट ब्लड सी कह रहा हूँ तो इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स काउंट चेक करना है आपने कि इसका वाइट ब्लड सेल का जो काउंट है वो नॉर्मल है कि नॉर्मल ज्यादा हो गया है और उसके बाद वायरल कल्चर वगैरह देखना है उसके बाद वायरल एंटीबॉडी टाइट वगैरह देखने को मिलेगा तो ये इसका डायग्नोस था और आगे हम बात करते हैं कम्प्लीकेशन की कि इस डिजीज के अंदर कौन कौन सी कम्प्लिकेशन या रुकावटें देखने को मिलती हैं सबसे पहले क्या होगा नमूनिया देखने को मिलेगा ठीक है ना नमूनिया भी किस तरह का होगा सुपरा एडिट बकरिया इन्फेक्शन की वजह से नमूनिया देखने को मिलेगा जब नमूनिया होगा तो सांस में प्रॉब्लम होगी सही तरह से सांस नहीं लिया जाएगा और निमोथारक्स की कंडीशन देखने को मिलेगी डिहाइड्रेशन पानी की कमी होगी एंड एसिडोसिस देखने को मिलेगा एंड फेलियर फेलियर देखने को मिलेंगे हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा एंड एपनिक स्पैर देखने को मिलेंगे ठीक है ना 1%. So, के दर, अस्थमा देखने के मिलेगा ब्रोंकिल बिलो वन ऑफ द एज आ जाएगी एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा देखने को मिलेगी एंड रिपीटेड इसके अंदर जो टैक होंगे वो रिपीटेड होंगे गुड रिस्पॉन्स टू वगैरह देखने को मिलेगा ठीक है ना तो ये इसके ब्रोंकिल अस्थमा थे और इसके बाद हम बात करते हैं ब्रोंकि नमोनिया की ठीक है ना ब्रोंकि नमोनिया के अंदर आ जाएगा हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा चाइल्ड के अंदर क्या होगा चाइल्ड मोर टॉक्सिक होगा एंड ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी और उसके बाद कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर टेक्काडिया हार्ट रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे टैक्काडिया कहेंगे एंड इन लार्जिंग लीवर इसके अंदर लीवर होगा वो इन हो जाएगी उसकी एंड अदर अब नॉर्मल हार्ट फाइंडिंग देखने को मिलेंगी तो प्यूराटिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा बूट्स ऑफ कॉफ होगा नो no एक्सरे फाइंडिंग देखने को मिलेगी लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलेंगी तो ये चीजें आपने इसके अंदर तो चेक करनी है रिस्क फैक्टर या सिवियर डिजीज के अंदर क्या होगा जो ये डिजीज होगी ये 12 ईयर से अबाव की जो बच्चे होंगे उनमें देखने को मिलेगी एज 12 ईयर्स वीक्स एज ट्वेल्व वीक्स के जो होंगे ना उनमें देखने को मिलेगी जो बच्चे होंगे एंड प्रोटीन इसके अंदर बहुत होगी प्री टर्म बर्थ होगा सॉरी प्री टर्म बर्थ होगी इसके अंदर तो अंडर कम देखने को मिलेगी एंड इसके अंदर कार्डिवेस्कुलर पल्मोनरी एंड न्यूरोलॉजिकल एम्यूरोजिकल डिजीज देखने को मिलेंगी ये सारे इसके जितने भी थे इसके रिस्क फैक्टर थे तो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट देंगे सबसे पहले ट्रीटमेंट होगा हम पेशेंट को देंगे चेक करेंगे उसका ठीक है ना फिर हाइपोक्कर देखेंगे कि पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हुई या है कि नहीं हाइपोक्सिक कंडीशन में चला गया कि नहीं ये चेक करेंगे और उसके बाद ओरल फीडिंग करवाएंगे हम ठीक है ना नापने कंडीशन होगी एक्सट्रीम टकी टीपरिया देखने को मिलेगा ठीक है और मोस्टली uh, सिम्टोमेटिक क्या होंगे इसके अंदर ऑक्सीजन को सबसे पहले आपने ऑक्सीजन को इनहेल करना है ठीक है इसके अंदर फिर नेजर सक्सनिंग देखेंगे इसके अंदर और इसके बाद uh, uh, देखने को मिलेंगे तो ये इसके सारे ट्रीटमेंट uh, के पॉइंट थे uh, जो मैंने आपको बताए और उसके बाद जो ट्रीट uh, मेडिसन इसके अंदर क्या होंगे रिकमेंड करेंगे एंटीबायोटिक देंगे ठीक है ब्रोंकिरेटर वगैरह देखने को मिलेंगे स्टीरोइड्स वगैरह होंगे तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी तो जो आपने याद करनी है तो आगे हम नए टॉपिक की बात करते हैं इसका नाम है निमोनिया निमोनिया क्या होता है आम जबान में निमोनिया जो होता है ये लंग्स का इंफॉर्मेशन हो जाएगी लंगस किस पार्ट की इंफॉर्मेशन होंगी पैराकाम जो होंगे लंग्स का हिस्सा होगा अगर उसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी इन्फेक्शन हो जाएगा स्वेल वगैरह हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम निमोनिया कहेंगे जब निमोनिया होगा तो क्या होगा सही तरह से जो लोअर इर्द स्प्रेड्रैक इंफेक्शन होगा वहां पर सही तरह से एलिवलाई होंगे जो एलोल्ट सेक्स वगैरह होंगे वहां पे इंफॉर्मेशन हो जाएगी जब वहां पे इन्फॉर्मेशन होंगी तो सही तरह सांस नहीं आएगा सांस नहीं आएगा तो अस्थमा की कंडीशन भी हो सकती है इसके अंदर तो क्लासिफिकेशन के अंदर एनटोमिकल क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी और उसके बाद एटलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगी तो इसके बाद रिकरेंट नमोनिया देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ था जो कि आपने देखना है उसके बाद हेडेटेडर तो हैं ये आपने पढ़ लेना है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखने ना बस याद करने बकरलॉजी इसके अंदर न्यू बॉर्न के अंदर कौन कौन सी टेलोजी देखने को मिलेगी इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड के अंदर क्या होगा एंड ओल्ड एज के अंदर क्या होगा जो तो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना वो करनी आपने वो इंपोर्टेंट है जो मैंने तो इसके अंदर कह रहा है ना कि ये बस आप जस्ट देख लेना बस उसके बाद आप जस्ट रीड कर लेना है ठीक है ना जिसके अंदर मेन मेन टॉपिक है इम्पोर्टेट टॉपिक है उसके तरफ मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ सही है और उसके बाद आपने ये प्री फैक्टर देखने हैं इसके अंदर क्या क्या आएंगे एंड इसके अंदर बस यही था ठीक है ना तो आगे हम इसके बात करते हैं कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स या सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे इसके अंदर सबसे पहले जो होगा अपर ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होगा पे इन्फेक्शन हो जाएगा ठीक है और उसके बाद ड्राई हैकिंग एंड नॉन प्रोटेक्टिव कफ देखने को मिलेगी ठीक है और डेरी कंडीशन भी पेशेंट को हो सकती है वोमिटिंग भी आएंगी पेशेंट को ठीक है वो कंप्लेन करेगा और उसके बाद वगैरह भी देखने को मिलेंगी तो ये सारा कुछ इसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी सिम्टम थे जो कि आपने पेशेंट में चेक करने हैं तो डायग्नोज के अंदर आपने क्या करना है डब्ल्यू सी जो काउंट है वो आपने चेक करना है और उसके बाद एक्स चेस्ट एक्सरे करवाना है और ब्लड कल्चर देखना है और ग्राम स्टेनिंग देखनी है एंड प्लूरल फ्लूड एग्जामिनेशन देखनी है एंड ट्यूबो स्किन टेस्ट चेक करने हैं आपने और इसके बाद आगे जो पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कम्प्लिकेशन कि ये डिजीज है इसके अंदर कौन कौन सी पेचीदगियाँ आई हैं कौन कौन सी रुकावटें आई हैं कौन कौन सी कम्प्लिकेशन आई हैं जिसकी वजह से ये डिजीज होने के चांसेस ज्यादा बने हैं सबसे पहले जो इसके अंदर कॉम्पलिकेशन आएगी एम्फिसीमा की कंडीशन होंगी ठीक है उसके अंदर क्या आ जाएगा वगैरह आ जाएगा एंड नमोनिया आ जाएगा एंड स्टाइलोकोकस वगैरह देखने को मिलेंगे लंग कैपिल्स वगैरह हो गया या लंग के अंदर कुछ दाना वगैरह बन गया फोरा वगैरह बन गया या है या निमोथारक की कंडीशन हो गई है या नीमो नमेटोसील की कंडीशन वगैरह हो गई है तो ये सारी कंपिटिशन जो है जो आपने इसके अंदर देखनी है उसके बाद नमोनिया कंडीशन हो गई है प्लो रन हो गई है या डिलेड डाइजेशन हो गई डिस्परेटि जो हमारा सांस लेने का रस्ता था वो फेल हो गया है या मेटास्टेटिक सेप्टिक लियंस देखने को मिलती हैं तो ये सारे कम्पटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आपने कोई भी स्किप नहीं करनी ठीक है।, है ना बहुत दफ़ा एग्जामिनर इससे एम भी आ सकता है और भाव्या भी एग्जामिनर में पूछ सकता है क्योंकि क्लिनिकल सब्जेक्ट ऐसे हैं इसके अंदर आपके एम भी आने हैं और भाव्या वगैरह भाव भाव भी आना है ठीक है ना तो इस हवाले से आप इसको तैयार करें दोनों वे से और भावा के हवाले से भी तैयार करें और एम के हवाले से भी तैयार करें ठीक है और इसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं इसके स्पोर्टिव मैनेजमेंट वगैरह आ जाएंगी और स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर स्पोर्ट स्पोर्टिव मैनेजमेंट के अंदर आपने पेशेंट को बेड रेस्ट देना है गुड डाइट का ख्याल करना है ये चीज़ें आपने देनी है पेशेंट को रिकमेंड करनी है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अंदर आपने मेडिसन क्या देनी है जो ये मेडिसिन लिखी है ये मेडिसन आपने पेशेंट को देनी है तो पेशेंट इजीली ठीक हो जाएगा तो यही था आज हमारा ये चैप्टर uh, कवर हो गया ओके okay, हाफिज़